हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज आपके लिए बहुत खास दिन है। आप पूछोगे नहीं सर क्यों खास दिन है, तो खास दिन इसलिए दोस्तों कि आज मैं बहुत खुश हूं। और मेरी खुशी का कारण यह है कि जब भी मैं सेंटर से घर आता था तो घर आने के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये अपने घर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। घर पर नया व्हाइट बोर्ड लगाया, नया मार्कर, नया लाइटिंग का सेटअप, ठीक है, कैमरे का सेटअप और इसके अलावा ऑडियो का सेटअप सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। तो आज के वीडियो में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो आप कमेंट करके बताना, मैं पढ़ लूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा आपको, जैसे वर्ड पीछे का नहीं दिख रहा हो, या हमारी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है, या फिर कोई वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। और आज हम लोगों को पढ़ना है 1853 का चार्टर एक्ट। क्या पढ़ना है हम लोगों को? 1853 का चार्टर एक्ट। तो एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत सारी बातें करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। जिस तरह से पिछले एक्टों के बारे में हम लोगों ने देखा, उसी तरह से इसके बारे में आपको चीजों बताता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है यार कि 1853 का ये चार्टर एक्ट आया क्यों? तो मैं आपको पिछली घटना बता चुका था कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, 1773 वाला एक एक्ट आया था, फिर 20 साल बाद 1793 में एक एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 1813 में एक एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 1833 में एक एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 1853 में एक एक्ट आया। तो ये जो काम चल रहा था ना, ये ब्रिटिश की जो संसद थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल के लिए नियुक्त करती थी कि आप भारत के साथ जाके व्यापार कर सकते हो। इसी तरह से 20 साल का सिलसिला ये टुकड़ों में चलता गया, 20 साल 20 साल 20 साल और 20 साल, ये 20 साल का सिलसिला चलता गया। इस तरह से हम पहुँच गए थे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसका जो समय था, ये अन्य की अपेक्षा थोड़ा सा अलग था, अन्य के अपेक्षा थोड़ा सा अलग था। मतलब क्या? मतलब कि ये जो माहौल 1773 में था, 1793 में था, 1813-33 में था, वो माहौल अब 1853 में नहीं था। काफ़ी कुछ बदल चुका था, सिचुएशन बदल चुकी थी, लोगों की सोच बदल चुकी थी, हमारे देश की स्थिति परिस्थिति बदल चुकी थी, सब कुछ में बदलाव हो चुका था। इस वजह से 1853 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, ये आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या भारत में कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव आया कि नहीं आया, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि हाँ, बिल्कुल आया। यानी कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में काफ़ी बदलाव आया। तो 1853 की बात कर रहा हूँ, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें प्रशासनिक बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन कंपनी की जो शासकीय नीतियां थी, यानी कंपनी की जो शासन प्रणाली थी, कंपनी की जो प्रशासन करने की कार्यकुशलता थी, उसमें बहुत कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिली है, उसमें बहुत कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिली है। मतलब ये दोस्तों कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, ना ही अपर लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। हाँ, बीच में कुछ चेंजिंग मिले हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग है, तो आपको जानना चाहिए कि ये चेंजिंग क्या क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि 1853 का ये चार्टर एक्ट जो आया था, ये आया ही क्यों था? क्योंकि जितने भी चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके रीजन के बारे में जानते हैं कि भाई मुख्य रीजन क्या था, 1853 के चार्टर एक्ट को बनाने का सबसे बड़ी वजह क्या थी। तो सबसे बड़ी वजह मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। थोड़ा सा पीछे की चीज मैं रिकॉल कराना चाहता हूं। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें मैंने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट आने के ठीक पहले की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। बुरी क्या थी? बुरी ये थी कि जो नेपोलियन था, उसने नाकेबंदी कर दिया था, और नाकेबंदी के बाद जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनको व्यापार करने की सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से अंग्रेज व्यापारी चाहते थे कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही है, भारत के साथ व्यापार कर रही है, अन्य अंग्रेज व्यापारियों को भी ये मौका मिलना चाहिए। यानी अंग्रेज व्यापारियों ने 1833 के अधिनियम से पहले थोड़ा सा विद्रोह किया था। किसने? अंग्रेजों में जो व्यापारी थे उन्होंने।
और इसी व्यापारी वर्गों के साथ कुछ लोग और थे, ईसाई मिशनरी के लोग। किसके? ईसाई मिशनरी के लोग। ये लोग भी क्या किए थे, थोड़ा सा विद्रोह मचा के रखे थे कि हमको भी भारत जाने का मौका दिया जाए, हम भी भारत जाएंगे, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक मंडल के सदस्य थे, उसके जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे स्पेशली कि कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी थे वो लोग चाहते थे कि वो भी भारत जाएँ। मिशनरी याद रखिएगा, ठीक है, ईसाई मिशनरी, कि वो भारत जाएं और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करें। तो ये तो बात रही 1833 की। 1853 में ठीक इसी तरफ है, जैसे 33 में इन लोगों ने विद्रोह जताया, उसी तरफ है दोस्तों 1853 में भारतीयों ने भी अपना विद्रोह किया। क्या किया? भारतीयों ने भी अपना विद्रोह किया। आप कहोगे सर इन्होंने तो इसलिए विद्रोह किया क्योंकि टीपू सुल्तान जो है नाकेबंदी कर दिया था, इनको व्यापार करने का अवसर नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने जो है विद्रोह किया। इन्होंने इसलिए विद्रोह किया, इन्होंने जाने चाहते थे कि हम भी पूर्वी देशों में जाएंगे और वहां जाके ईसाइयत का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, इनका भी अपने जगह सही था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट से पहले ये भारतीयों का विद्रोह करना सर कुछ पच नहीं रहा है। आखिर क्या इनका भी कुछ चाहते थे, ये क्या चाहते थे, आखिर इनका विद्रोह किस लिए था? भाई इनका विद्रोह जायज था, इनका विद्रोह जायज था तो इनका विद्रोह भी जायज ही होगा ना। जायज कैसे, आपको बताऊं मैं कैसे? सुनो, हुआ क्या कि जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बंबई प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो लोग थे, वहां की जो जनता थी, उन जनता ने क्या चलाया, एक हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया। ध्यान समझना, तीन प्रेसिडेंसियों में जो भी जनता थी, इन जनता ने क्या चलाया, एक हस्ताक्षर, एक सिग्नेचर कार्यक्रम चलाया, हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया, और उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद में बैठे लोगों को आकर्षित करने के लिए या उनके तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए स्पेशली ये कार्यक्रम था कि हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो इन्होंने तो ये कार्यक्रम चला दिया, चलो ठीक है, हस्ताक्षर कार्यक्रम हो गया, तीनों प्रेसिडेंसी के जनता ने काम कर दिया। अच्छा, वो चाहते क्या थे? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता ये चाहती थी कि जो 20-20 साल वाला झांझ था ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर आके शासन करे जो 20 साल के लिए इसको एकाधिकार दे दिया जाता है, ये एकाधिकार समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, उनकी बात भी जायज थी कि इस तरह से करना जो है गलत था। तो एक बात तो ये थी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें एक धारा थी सेक्शन 87, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेक्शन 87 क्या कहता है? सेक्शन 87, मैं इसके बारे में आपको बताऊं, सेक्शन 87 कहता है दोस्तों कि जो भारतीय लोग थे उनको उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। पूरा मामला यहीं से संबद्ध है। सेक्शन 87 क्या करता है कि जो भारतीय लोग थे इनको उच्च पद पर नहीं बिठाया जाता था। एक्चुअली में 87 को थोड़ा सा उसके अंदर जाके मैं आपको गहराई से बात बताता हूँ। 87 जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीयों को भी उच्च शिक्षा लेने की व्यवस्था दी गई और उनको भी भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने की एक व्यवस्था दी गई। ये बात तो आप जानते होंगे, 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ाया, बहुत सारे भारतीय जो है बाहर गए, भारत से बाहर गए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, पढ़ा लिखा, और पढ़ लिख कर जब वापस अपने देश आए ना, तो पता चला कि अपने देश आने के बाद उनको किसी उच्च पद पर नियुक्त ही नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में यार पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे आप ही बताओ, आप खूब पढ़ लिए, खूब पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी नौकरी ना मिले, किसी उच्च पद पर आप बैठ ना पाओ, तो ऐसे में तो सब मामला बेकार हो जाएगा ना। ऐसे में सब मामला बेकार हो जाएगा, यार हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला। तो वही हुआ भारतीयों के साथ, वही हुआ भारतीयों के साथ। मुख्य क्या हुआ कि भारतीय लोग बाहर तो चले गए पढ़ने, बाहर तो चले गए, पढ़ लिख कर अपने आप को उस लायक भी बना लिया, लौट कर आ भी गए, लेकिन उनको भारत में आने के बाद किसी उच्च पद पर नहीं बैठाया गया। इससे जो भारतीय थे वो निराश हो गए। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो भारतीय थे वो निराश हो गए और निराश होकर उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बात बताऊं, अंग्रेज तो खुद ही भेजे थे कि आप जाओ विदेश में जाओ, पढ़कर आओ। ठीक है, पढ़कर के आए तो उनको उच्च पद पर क्यों नहीं बिठाया गया? क्यों? क्योंकि भारत में उस समय तक काले गोरे का भेद चल रहा था। क्या चल रहा था? काले गोरे का भेद चल रहा था, और ये इतना ज़्यादा अपनी पैठ बना चुका था कि किसी भी काले व्यक्ति, काले मतलब भारतीय, काले मतलब क्या होता था, भारतीय, और गोरे मतलब अंग्रेज, इन दोनों के बीच में एक ऐसा द्वेष था कि दोनों की एबिलिटी कितना भी बराबर हो, नॉलेज में दोनों कितने भी अच्छे हों, लेकिन उनके बीच में भेदभाव किया ही जाता था।
ठीक है, यानी किसी भी उच्च पद पर किसी भी भारतीय व्यक्ति की नौकरी नहीं लगाई जाती थी। इस वजह से भारतीयों में एक बहुत बड़ा द्वेष था। तो रहेगा कि नहीं, जायज है कि नहीं द्वेष रहना? जायज है, ठीक है। इस वजह से जो भारतीय व्यापारी सॉरी जो भारतीय व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह किए पड़े थे। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो भारतीय थे इनके मन में द्वेष था, चलिए ठीक है, लेकिन ये चाहते क्या थे, ये चाहते क्या थे? तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या चाहते थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले कुछ टाइम लग जाता है भूमिका बनाने में। अगर मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा तो फिर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब समझना है क्या चाहते थे। सबसे पहली बात तो भारतीय चाहते थे कि जो भारतीयों के लिए जो कानून बनाई जा रही है इसके लिए एक अलग विधान मंडल हो। भारतीयों की क्या डिमांड थी कि भारतीय के लिए, भारतीय कानून बनाने के लिए एक अलग विधान मंडल हो। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अलग विधान मंडल बनाने की मांग किस चार्टर अधिनियम में किया गया, तो आप क्या बताओगे, 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। क्या किया गया था कि भारत में कानून बनाने के लिए अलग से विधान मंडल की स्थापना की जाए। ऐसा कह रहे थे कौन व्यक्ति, भारतीय भारतीय लोग। उनके दिमाग में ऐसा कैसे आ गया दोस्तों, भारतीय लोग भी बाहर जाके पढ़ाई करने लगे, विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगे, धीरे धीरे उनका जो मानसिक स्तर था वो ऊंचा होता चला गया। और ऐसे में भारतीयों को भी समझ में आ गया कि हम कोई भी काम अगर एक सिस्टम से करें तो हम ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इस वजह से उन लोग चाहते थे कि भारत में अपना उसका खुद का एक विधान मंडल हो, समझ रहे हैं। तो ये व्यवस्था करने की बात की गई 1853 में। अभी तो बस खाली डिमांड में बता रहा हूँ, अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या लिखा है। मैं तो आपको कारण बता रहा हूँ, कारण के अलावा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसके रीजन बता रहा हूँ कि किस वजह से जो है इस अधिनियम के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा चीज, पहला कारण तो चलो हो गया कि विधानमंडल, दूसरा चीज ये कहा गया कि जो भी प्रादेशिक सरकार है उनके पास आंतरिक स्वतंत्रता हो, यानी किस व्यक्ति को किस पद पर बैठाना है उनके पास आंतरिक स्वतंत्रता हो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं या जो संचालक मंडल हैं या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हैं, ये लोग जो है नियुक्ति के बारे में ना सोचें, नियुक्ति हो गई या कंपनी की जो कार्यशैली हो गई इसके बारे में ये लोग डिसीजन ना लें, जो वहाँ के आंतरिक व्यवस्था कर्म में लोग हैं वो लोग जो है इस काम में आए। तो ठीक है, दूसरा वाला काम भी उनका अच्छा था, ठीक है, दूसरा वाला काम भी ठीक ठाक था। दूसरा काम लिख दूं क्या यहाँ पे हेडिंग, चलो अगर लिखना होगा आपको एग्जाम में तो लिख दे रहा हूँ कि प्रादेशिक सरकारों के पास आंतरिक स्वतंत्रता, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रादेशिक सरकारों। अच्छा, प्रादेशिक सरकार मतलब वही जो प्रेसिडेंसियाँ हैं यार, बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उसी की बात करें, उनके पास जो है आंतरिक स्वतंत्रता हो, ठीक है, वो और उनसे संबंधित जितने छोटे छोटे राज्यों पे कंट्रोल जो बना उनके पास आंतरिक स्वतंत्रता हो, एक तो ये चीज़ है। तीसरा वो क्या चाहते थे, तीसरा चाहते थे कि भारत पर जो शासन का अधिकार है वो शासन का अधिकार सचिव प्लस उसके काउंसिल का, किसका हो, जो भारत है भारत पर शासन का अधिकार, भारत पर शासन का अधिकार किसका हो, किसका हो दोस्तों, तो जो सचिव है उसका हो प्लस सचिव का जो काउंसिल है ना उसका हो, किसका किसका हो, सचिव प्लस उसके काउंसिल का हो। यानी भारत के लोग जो थे वो पूरी तरह से मुक्त होना चाहते थे, वो पूरी तरह से मुक्त होना चाहते थे कंपनी से। वो क्या चाहते थे कि जो भारत पे शासन का अधिकार हो किसके पास हो, या तो सचिव हो और साथ ही साथ जो सचिव का अपना उसका खुद का पैनल है, जो काउंसिल है उनके पास हो। ये तीन समस्याएं सबसे बड़ी समस्याएं थी। चौथी समस्या सुनिए, नोट करते चलिएगा, ठीक है, चौथी समस्या इन लोग क्या थी। अभी मैं भारतीयों की समस्या सिर्फ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, भारतीयों की समस्या पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथी समस्या थी इनके एग्ज़ाम को लेकर के। अब आप कहोगे सर एग्ज़ाम कौन सा, चौथी समस्या किससे संबंधित थी, एग्ज़ाम की समस्या थी। एग्ज़ाम मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती थी, ठीक है, उसमें भारतीयों को मौका दिया जाए, ऐसा भारतीय लोग कह रहे थे। तो प्रतियोगी परीक्षा यानी जो सिविल एग्ज़ाम था जो ब्रिटिश संसद द्वारा तय कराया जाता था, ये कराया जाता था एग्ज़ाम, ठीक है, इंग्लैंड में, तो उस एग्ज़ाम में भी भारतीयों को जो है शामिल किया जाए, इसके बारे में बातचीत किया गया। तो हुआ क्या यहाँ पे दोस्तों कि एक तो ये इशू हुआ, प्लस उस समय के जो विशेष लोग थे उन्होंने अपना सुझाव भी दिया इस एग्ज़ाम को लेकर के, अपने तमाम सारे सुझाव भी दिए। उन सुझावों को जो प्रेसिडेंसी थी वो प्रेसिडेंसी कहाँ तक पहुँचाई,
संसद तक पहुंचाई कि देखिए हमारे देश में ये समस्या है जनता की, जनता चाहती विधानमंडल बन जाए, जनता चाहती आंतरिक स्वतंत्रता मिल जाए, जनता चाहती कि उनके ऊपर जो शासन हो वो भारत सचिव और उसके काउंसिल का हो, जनता चाहती है कि उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, जनता चाहती है कि हस्ताक्षर कार्यक्रम के द्वारा कि उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए, जनता चाहती है कि कार्य गोले का जो भेद है उसको समाप्त किया जाए, जनता चाहती है कि पढ़ने लिखने के बाद अगर उसके पास एबिलिटी है तो उसको भी ऊंचे पद पर बैठने का मौका मिले, उस पर उसकी नियुक्ति हो सके, ठीक है। तो भारत की जनता डिमांड करती है। तो तीनों प्रेफिडेंसियों ने इन बातों को किसके तक पहुंचाया? ब्रिटिश संसद तक पहुंचाया। ब्रिटिश संसद ने इत्मीनान से प्रेफिडेंसियों से इन बातों को सुना और भारतीयों की समस्या के ऊपर उन्होंने गहन निस्तारण की व्यवस्था बनाई। क्या बनाई उन्होंने? तो संसद ने बनाया तुरंत एक कमेटी बनाया, तुरंत एक कमेटी बनाया कि जो लोग इस प्रेफिडेंसियों से संबंधित हैं, जो ये बात बता रहे हैं, क्या वो बात सच है या गलत, इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 1852 में एक जाँच कमेटी बनाई। क्या बनाई? एक जाँच कमेटी बनाई और कहा कि जाओ आप लोग और भारत में देखो कि जो भारतीय लोग डिमांड कर रहे हैं क्या उसको पूरा किया जा सकता है, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, या क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए एक जांच कमेटी बन गई। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई अगले साल और इस तरह से 1853 का ये चार्टर एक्ट जो आप देख रहे हो, ये चार्टर अधिनियम पास हो गया, ये चार्टर अधिनियम पास हो गया। चलो पास तो हो गया, अब एक एक लाइन पढ़ लेते हैं कि चार्टर अधिनियम में लिखा क्या था, इस चार्टर नियम में लिखा क्या था। तो दोस्तों इसमें लिखा था कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रदेशों तथा उनके राजस्व का प्रबंधन जो था वो कंपनियों को सौंप दिया गया। सबसे पहले जो काम किया गया ये क्या किया गया कि जो भी भारतीय प्रदेश थे और जो भी उनके राजस्व का प्रबंधन था वो कंपनियों को सौंप दिया गया। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी कंपनी उसमें हिस्सा अपना लगाती थी, ठीक है, जो भारतीय राजस्व होते थे, जो राजस्व वसूल किया जाता था उस पर पूरा का पूरा वो नियंत्रण किसके किसके पास था, ये कंपनियों के पास ही था। तो ये तो कंपनी के पास थे ही थे, लेकिन जैसा कि भारतीय लोग डिमांड कर रहे थे कि एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे 20 साल के लिए इन लोगों के पास, इन लोगों की जो काम करने की अवधि उसको बढ़ा दिया जाता है, इसको ना बढ़ाया जाए, तो याद रखेगा 1853 के एक्ट में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 सालों तक जाके काम करेगी, मोनोपोली के साथ व्यापार करेगी। इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, मतलब इनको अगला 20 साल नहीं दिया गया, मतलब अगला 20 साल नहीं दिया गया, मतलब 1853 के बाद 1873 में जो चार्टर एक्ट आएगा वो कोई चार्टर एक्ट नहीं होगा, 20 साल का मौका इनको समाप्त कर दिया गया। और यानी एक बात और आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए कि ब्रिटिश संसद अब किसी भी वक्त कंपनी के शासन को समाप्त करके पूरा का पूरा सत्ता हस्तांतरित अपने पास कर सकती थी, ये पावर उसके पास मिल गया। अभी आप बताओ ना, अगर इस 20 वर्ष के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो ब्रिटिश का राजा था, जो ब्रिटिश का राजा था, जो सम्राट था, वो कभी भी क्या कर सकता है, पूरे भारतीय क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले सकता है, भारतीय क्षेत्रों को अपने अधिकारों में ले सकता है। ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल ले सकता है। तो 1853 के चार्टर एक्ट से ये थोड़ा सा मजबूती मिल गई, किसको? ब्रिटिश संसद को मजबूती मिल गई। इसके अलावा इनके शक्ति को कम करने के लिए, जो संचालक मंडल थे कंपनी के, उनके पावर को कम करने के लिए भी विचार किया गया कि इनके पावर को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये जो लोग पावरफुल हैं ना, यही लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। भाई क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे हैं भारतीयों का, बताओ ना, क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना नियुक्ति। तो क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जिनकी संख्या थी 24, उनकी शक्ति को कम किया गया और इस संख्या को घटा के 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? जो संचालक मंडल के अब सदस्य थे वो कितने हो सकते थे? मैक्सिमम 18 सदस्य हो सकते थे। उस 18 में भी 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार संसद को दे दिया गया। 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया? संसद के पास चला गया और संसद वहाँ के सम्राट से पूछ करके इन 6 सदस्यों को नियुक्त कर देता था। एक बात समझ में आया? इसके अलावा जो कोरम पूरा करने की बात आती थी, कोरम पूरा करने की, तो पहले 13 लोग कोरम पूरा करते थे, भाई 24 में से 12 आएंगे, ठीक है, तो 12 में नहीं करेंगे, प्लस एक और डाल देंगे यहाँ पर 13, तो 13 लोग अगर व्यक्ति हो जाते थे तो कोरम पूरा माना जाता था। क्या माना जाता था? कि अब कोरम पूरा हो गया। उस कोरम पूरा करने का जो आंकड़ा था उसको भी घटा करके कितना कर लिया गया? 10 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10 कर दिया गया, ताकि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके भारतीय सत्ता पर।
ठीक है। तो ये काम हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में। दो काम अभी मैंने आपको बताया, इत्मीनान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। जो 20 साल वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया गया एक काम, यानी समाप्त हो गया, कभी भी ब्रिटेन का सम्राट भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, एक काम ही हो गया। दूसरा काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 मेंबर थे उनके मेंबर की संख्या घटा करके 18 कर लिया गया और 6 सदस्यों को सम्राट द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई गई। कोरम जो 13 लोग पूरा करते थे उसको घटा करके 10 कर दिया गया। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 1853 के चार्टर एक्ट में जो बातें लिखी हैं उन बातों को आपको बता रहा हूँ। तो अभी तक दो बातें मैंने आपको बताया, तीसरी बात याद रखिए, 1853 का चार्टर एक्ट कहता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर की बात खत्म, अब आगे बात कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल जो है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इनका वेतन जो है ये कंपनी को देना पड़ेगा, इनका वेतन जो है कंपनी को देना पड़ेगा अपने खर्चे से, ठीक है, भोगना पड़ेगा। दूसरा बात, लेकिन इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो सम्राट निर्धारण करेगा। वेतन का निर्धारण सम्राट करेगा, निर्धारण कौन करेगा, सम्राट करेगा, लेकिन वेतन का भुगतान, सम्राट ऐसे रहेगा ना, लेकिन वेतन का भुगतान कौन करेगी, कंपनी करेगी। तो ये व्यवस्था कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा कहा गया कि जो संचालक मंडल थे, ये लोग जो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में झोलझाल करते थे, पढ़े लिखे व्यक्तियों को मौका नहीं देते थे, भारतीयों को मौका नहीं देते थे, ठीक है, काले गोरे का भेद लगा के रखे थे, उनके पास से ये मौका ही छीन लिया गया। कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब अधिकार नहीं है कि वो किसी भी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करे, किसी भी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करे, इसका प्रावधान ही क्या कर लिया गया, समाप्त कर दिया गया, जाओ काम खत्म, न रहोगे तुम ना परेशान करोगे। तो अगर ये नियुक्ति नहीं करेंगे तो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काउंसिल होगा वो करेगा, ठीक है। यानी पावर दिया सम्राट ने, संसद ने पावर दिया, सम्राट ने संसद ने पावर दिया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये नियुक्ति के लिए नियम बनाए, क्या बनाए, ये नियुक्ति के लिए नियम तय करे। नियम तय करने का अधिकार किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया कि आप नियुक्ति के लिए नियम तय करो और किसको किस पद पर बिठाना है ये संसद तय करेगी, ये संसद तय करेगी। तो मतलब कि जो कुछ भी कमियां थी उस बचे खुचे कमियों को दूर किया गया, उस बचे खुचे कुछ नया काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 1853 के चार्टर एक्ट ने कमियों को दूर किया गया, ये बहुत बढ़िया काम था। अगला दोस्तों एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे जो एग्जाम वाला पॉइंट आया था मैं उस पर बात नहीं किया। दोस्तों जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता था वो एग्जाम होता था लंदन में, कहाँ होता था, लंदन में होता था। तो भारतीयों से कहा गया कि आप भी जो लंदन आइए और परीक्षा में शामिल होइए, अपने आप को साबित करिए कि क्या आप उस पद पे बैठने योग्य हो अथवा नहीं हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, कुछ उप समितियाँ भी बनाई गई, कुछ उप समितियाँ भी बनाई गई, कौन कौन सी, एक न्यायिक उप समिति बनाई गई, उप समिति, ठीक है, समिति तो पहले सी थी, एक उप समिति भी बनाई गई, एक न्यायिक बनाई गई, एक राजनीतिक बनाई गई, एक वित्तीय बनाई गई, तीन उप समितियाँ बनाई गई, एक वित्तीय, ठीक है। तो तीन तीन उप समितियाँ बनाई गई ताकि इनके ऊपर भी जो न्यायिक व्यवस्था है भरपूर कंट्रोल हो सके, जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी कंट्रोल हो सके, जो वित्तीय व्यवस्था है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो सके, मतलब कमेटी के अंडर सब कमेटी आ गई, समझ रहे हैं, ताकि व्यवस्था जो है वो और बेहतर और मजबूत हो सके। एक तो काम ये हो गया, ठीक है, ये सब चार्टर एक्ट में लिखी बातें बता रहा हूँ, 1853 के चार्टर एक्ट में जो बातें लिखी हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अगला है दोस्तों कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, सॉरी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो व्यक्ति बंगाल का भी गवर्नर कहलाता था, याद है कि नहीं, बंगाल का कोई अलग तो होता नहीं था, जो बंगाल का गवर्नर था वही पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। एक ही बात है कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर था या बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसियाँ उसके अंडर में थी, सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें थी, इसको अलग किया गया, इसको क्या किया गया, अलग किया गया, मतलब जो गवर्नर जनरल है अब वह बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा, बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल है तो भारत का है, वो सिर्फ भारत का रहेगा, बंगाल का नहीं रहेगा। तो अगर बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा तो किसी न किसी अलग व्यक्ति को तो बनाया जाएगा ना, हाँ,
कोई अलग व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाए, लेकिन एक प्रावधान और यहाँ पे दिया गया कि जब तक कोई अलग व्यक्ति नहीं आता है तब तक के लिए गवर्नर जनरल जो है ये संचालक मंडल से बात करके उससे अनुमति लेकर के कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। सुनिएगा ध्यान से, गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके इससे अनुमति लेकर के क्या कर सकता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर भी होता था, उसको बंगाल के गवर्नर का दायित्व भी पूरा करना होता था, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है ये किसी अलग व्यक्ति को बनाया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बंगाल को नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन जब तक कोई दूसरा व्यक्ति गवर्नर नहीं बना दिया जाता तब तक के लिए गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल करके ये उससे अनुमति लेकर के कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। और बताऊं दोस्तों तो 1853 में बात कहा गया, आगे चल के 1912 तक कोई भी गवर्नर नियुक्ति नहीं किया गया बंगाल में, कोई गवर्नर नियुक्त ही नहीं किया गया, यानी बंगाल जो है बिना गवर्नर का रहा 1853 से लेकर के 1912 तक, 50 साल उधर सीधा फीदा और 9 साल इधर, 59 साल तक, 59 साल तक बंगाल बिना गवर्नर के रहा। हाँ बिना गवर्नर के रहा, हाँ एक चीज़ है गवर्नर वहाँ नहीं था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ था, LG था, ठीक है, गवर्नर जनरल BOD से बात करके अनुमति लेकर के वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रख दिया था। तो बंगाल पहला प्रांत था जहाँ पर 1854 में, कितने में, 1854 में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, 1853 भाई यही है एक्ट ही आया था चार्टर एक्ट, उसमें प्रावधान था ये, तो 1854 में एक नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो या मृत्यु हो गई या पागल हो गए, दिवालिया हो गए या पति पद को छोड़ दिया, तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, बस वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट था, तो ये काम हुआ। तो याद रखिए 1854 में बंगाल पहला राज्य था जिसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद 1859 में, ये भी याद रखिएगा, 1859 में पंजाब दूसरा राज्य बना जिसके पास अपना खुद का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसके पास अपना खुद का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ये पंजाब दूसरा राज्य बना। क्यों बनाया गया दोस्तों, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, बंगाल प्रेसिडेंसी और नीचे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, इनके से लेकर के पंजाब काफ़ी दूर था, तो पंजाब को अलग प्रेसिडेंसी तो बना नहीं सकते थे, तो उसको भी एक मुख्यालय के तहत जो है डेवलप किया गया और वहाँ पर भी एक LG रख दिया गया। इतनी बात समझ में आई, चलिए समझते चलिएगा बात को, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये क्लास मैं घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या है ना कि ये बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, मेरे कमरे के बगल में काफ़ी बड़ा हॉल है, तो इसमें आवाज़ गूंज रही है, पूरा कमरा खाली है, सिर्फ यहाँ पर हम और आप हैं और कोई नहीं है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी नया नया कमरा बना था, कुछ दिन पहले बना था, एक साल हुआ होगा ज़्यादा, तो कुछ यहाँ पे रखा नहीं, पूरा कमरा खाली है, तो ऐसे में आवाज़ गूंज रहा है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ आपको, इसके बाद बात करते हैं 1833 में, ले चलता हूँ फिर से आपको 1833 में, एक चीज़ याद दिलाऊँ, एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया था, याद है आपको, एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था कि जो भी विधि से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित जो है विधेयक होंगे उनके लिए इनसे पूछना जरूरी होगा। ये जो विधि सदस्य होता था मीटिंग में भाग तो ले सकता था, लेकिन वोटिंग का अधिकार इसको नहीं था, उसी की बात कर रहा हूँ, जो अरे मैकाले का जो बनाया गया था विधि सदस्य, उसी की बात कर रहा हूँ। तो 1833 में जो विधि सदस्य बनाया गया था इसको 1853 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान के द्वारा अस्थायी कर दिया गया, इसको अस्थाई मेंबर घोषित कर दिया गया उस काउंसिल का, उस परिषद का। अस्थाई घोषित करने के साथ साथ इसके पावर में भी वृद्धि किया गया कि अब ये व्यक्ति जो विधि सदस्य है ये बैठक में भी भाग लेगा, ये बैठक में और किसी भी बैठक में, सब में भाग लेगा, और सब में इसको वोटिंग का अधिकार भी दे दिया गया, सब में इसको वोटिंग का अधिकार भी दे दिया गया विधि सदस्य को। समझ में आ रहा है ना आपको। अच्छा चलिए, एक ये चीज़ हो गया, इतना चीज़ याद हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वहाँ से, बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पहली बार भारत में, पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल की
जो विधायी और कार्यपालिका संबंधी कार्य थे उसका पृथक्करण किया गया। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, सब परिषद गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल था प्लस उसकी जो परिषद थी, मतलब उसकी जो काउंसिल थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के जो कार्य थे, कार्य में कौन से कार्य, एक विधायी कार्य, दूसरा जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका संबंधी उसके जो कार्य थे, इन दोनों कार्यों में क्या किया गया, पृथक किया गया, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, कोई दिक्कत। तो इन दोनों कार्यों को अलग किया गया पहले किस अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। दोस्तों इसको करने का क्या मतलब था, इसको क्यों किया गया, इसको पृथक क्यों किया गया। दोस्तों इसको पृथक इसलिए किया गया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो चाहता था कि भारत में जो विधायी मंडल बनाने का वो चल रहा है कि भारत के लिए भी अलग से विधान मंडल होना चाहिए, तो इसके लिए विधायी कार्य को पृथक कर दिया गया और कार्यपालिका कार्य को भी पृथक कर दिया गया, ताकि भारत में जो कार्य है वो और बेहतर तरीके से किया जा सके, जो अंग्रेजों की शक्ति है, पकड़ है, वो और मजबूत हो सके, इसके लिए इस कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरा चीज, विधि निर्माण के उद्देश्य से 6 और सदस्यों को काउंसिल में जोड़ दिया गया। कितने सदस्य, 6 और सदस्यों को काउंसिल में जोड़ दिया गया। जब इसको पृथक करोगे तो काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा तो और व्यक्ति चाहिए, और व्यक्ति चाहिए तो काउंसिल में जितने लोग थे प्लस 6 और लोग घुसा दिए गए वहां पे, ताकि और बेहतर तरीके से काम हो सके। इस तरह से परिषद में कुल 12 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, तो 1853 के एक्ट में याद रखेगा कि गवर्नर जनरल और उसके परिषद में कुल सदस्य कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और व्यवस्था किया गया कि विधानमंडल में, भारतीय विधानमंडल में यदि कोई भी विधेयक पास होता है तो वो गवर्नर जनरल की सिग्नेचर के बिना कानून नहीं बन सकता। जैसे हमारे यहाँ है, कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, अगर राज्य स्तर पर है तो राज्यपाल सिग्नेचर करेगा, अगर देश के स्तर पर है तो फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद ही वो विधेयक कानून बनेगा, अदरवाइज वो कानून नहीं बन सकता। तो वो पावर इसको यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें ब्रिटिश संसद से मिलता जुलता कानून बनाने का एक तरीका अपनाया गया। कैसे, जिस तरह से ब्रिटिश संसद काम करती थी उसी तरह से गवर्नर जनरल की काउंसिल ने भी भारत में एक संसद बनाने का एक प्रावधान रखा और काम करना शुरू किया। भारत में उसी तरीके से जैसे कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते थे, वाद विवाद होता था, विधेयक पर डिबेट होता था, वो सारा तौर तरीका लिया गया। इसीलिए तो हम संविधान में पढ़ते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश के संसद से लिया गया। तो पूरा शुरुआत जो होता है वो 1853 के चार्टर एक्ट से ही हुआ है। इसके अलावा भारतीय विधि आयोग जो था दोस्तों वो समाप्त हो चुका था, ठीक है, लेकिन भारतीय विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था अपनी, भारतीय विधि आयोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो समाप्त हो गया था 1853 के चार्टर एक्ट के समय। तो वो आयोग तो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी जो सिफारिश थी उन सिफारिशों की जांच किया गया, उस पर विचार किया गया और विचार करने के बाद एक इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। क्या की गई, एक इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। इसकी क्या की गई, नियुक्ति किसकी सिफारिश पर, इसकी पहले किसने इसकी सिफारिश किया था, तो भारतीय विधि आयोग जो कि उस समय तक समाप्त हो चुका था। भारतीय विधि आयोग जो कि उस समय तक समाप्त हो चुका था उसकी सिफारिश को जांच करके, ठीक है, समझ करके एक इंग्लिश लॉ कमीशन की नियुक्ति की गई। इसमें कुल 8 मेंबर रखे गए। इंग्लिश लॉ कमीशन में कुल कितने मेंबर थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे कुल 8 मेंबर रखे गए। अच्छा, इनका काम क्या था, इनका काम था भारतीयों के लिए कानून बनाना। एक लाइन की बात करूँ, भारतीयों के लिए कानून बनाना। इंग्लिश लॉ कमीशन ने ही क्या किया है, इसके जो 8 मेंबर थे इन्होंने ही इंडियन पेनल कोड बनाया। क्या बनाया, भारतीय दंड संहिता, जो आज हम पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता, IPC, इंडियन पेनल कोड, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है बनाने में। आईपीसी बनाया, आईपीसी के साथ साथ जो दीवानी और फौजदारी के मामले थे उसके लिए भी कानूनी तौर तरीके बनाए, मतलब कानूनी नियम कानून बनाए, ठीक है। दीवानी और फौजदारी इन दोनों के लिए क्या बनाए, कानून बनाने का काम किसने किया, इंग्लिश लॉ कमीशन ने किया, जिसमें कुल 8 मेंबर थे। हम लोग गलती से पढ़ते हैं कि भारतीय विधि आयोग ने किया, नहीं, भारतीय विधि आयोग समाप्त हो चुका था, उसकी सिफारिशों की जांच किया गया, उस पर विचार किया गया, इंग्लिश लॉ कमीशन बनाया गया, तो फिर ये काम हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो थी वो लिखी हुई थी कहाँ पर, ये लिखी हुई थी
1853 के चार्टर एक्ट में, बस इतनी बातें थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक लाइन में बता दीजिए फटाफट कि 1853 के चार्टर एक्ट का महत्व क्या था, तो आपको चलिए गिना देता हूँ, जितना पढ़े हो आप उतना रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब कंपनी का विस्तार नहीं होगा, काम करने का विस्तार नहीं होगा 20-20 साल वाला, ठीक है। और शायद यही एक वजह थी कि 1853 के ठीक 5 साल बाद जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश सम्राट था उसका शासन भारत में लागू हो गया। 1858 एक नवंबर, याद है ना आपको, 1858 को 1 नवंबर को इलाहाबाद के मिंटो पार्क से घोषणा किया गया कि अब भारत में कंपनी शासन समाप्त किया जाता है, अब से भारत में किसका शासन होगा, ब्रिटिश के सम्राट का शासन होगा, ठीक है, ये कहा गया, या वहाँ की जो रानी थी महारानी थी उनका शासन होगा, एक ही बात है, उसमें बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये था, दूसरा बात था दोस्तों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 24 से घटाकर क्या किया गया 18 कर दिया गया, 6 लोगों को कम कर दिया गया और बाकी 6 लोगों को नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दे दिया गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा काम था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, ठीक है, उनसे उस प्रावधान को छीन लिया गया क्योंकि काले गोरे के भेद होने की वजह से सही व्यक्तियों को वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता था। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने कहा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर हैं वो इसके लिए नियम कानून बनाएं और अब सारा काम संसद करेगी। किसकी नियुक्ति कहाँ करनी है, सारा काम कौन करेगी, संसद करेगी। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे उनके यहाँ ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, इंग्लैंड की जो संसद वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है वैसे उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन बोलते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करने का काम शुरू कर दिया गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति भी कौन करेगा, अब कौन करेगा, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जो वहां का लोकसभा है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की किसकी जाती थी, जो भी कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते थे जिनको भारतीयों के मामले में या यहां की सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक तौर तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती थी, उनको उठा करके हाउस ऑफ कॉमन्स क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना देता था, ऐसे करके काम चलता था। बाकी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल था इससे जो है इसको बंगाल का गवर्नर बनकर के अब काम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक अलग गवर्नर की व्यवस्था की गई, लेकिन अगले 1912 तक आने तक में वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही काम कर रहे थे, ये भी आपको बता दिया गया। 1854 में बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1859 में पंजाब के लिए नियुक्त किया गया था, ये भी आपको हो गया। ये सब बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखा था 1, 2, 3 पॉइंट में। एग्जाम वाली बात रही थी दोस्तों, उसमें समस्या मैंने बताया था कि देखिए भारतीयों से कहा गया कि आप भी लंदन आइए एग्जाम दीजिए, लेकिन एक बात बताओ यार, एक समस्या मैं बता रहा हूँ कि यार जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको पीसीएस का एग्जाम जाके लंदन में देना है, भाई कौन जाएगा लंदन एग्जाम देने, बताओ भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि आप जाओ लंदन एग्जाम जाओ देने के लिए, ऐसा संभव हो सकता है? तो ये तो सीधा फीधा नाइंसाफी हो गई भाई कि मौका ही नहीं दिया जा रहा है, एक प्रकार से सोचो तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ये तो झूठ मूठ वाली बात हो गई ना। तो बात आती है कि एग्जाम लंदन जो है एग्जाम देने जाएगा कहाँ से कौन, और अगर कोई जाने की सोचता भी है तो इतना पैसा आएगा कहाँ से, ऊपर से एज का जो लिमिट था वो काफ़ी कम रखा गया था, एज जो थी वो काफ़ी कम रखी गई थी, 18 साल थी, तो ऐसे में बताओ कैसे प्रावधान होगा। इसके अलावा एक और नियम था कि जो भी प्रश्नों का उत्तर देना है वो केवल उनकी मातृभाषा में देना है, उनकी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में नहीं, उनकी मातृभाषा मतलब इंग्लिश में देना है। तो एक तो भारत में जो है शिक्षा की व्यवस्था एकदम लचर थी, तो ऐसे में कौन जाएगा एग्जाम देने, फिर भी ये अलग बात है। तो ये सब याद रखेगा, ये सारी चीज़ें थी तो अभी आपको याद रहेंगे। हाँ, इसके अगर कोई अगर आपसे दोष पूछे कि 1853 के चार्टर एक्ट का दोष क्या था, तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हुआ, लेकिन अगर कोई आपसे दोष पूछे तो एक ही दोष यहाँ पे जो गिनाने लायक है वो है कि कानून बनाने वाली काउंसिल में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसका बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह किया गया, इसका बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ और शायद इन्हीं सब वजहों से आगे चल के कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। और समाप्त हुआ तो कौन सा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, भारत भी तो किसके अंडर में आ गया, वापस वहाँ के सम्राट के अंडर में आ गया। और फिर से यह है कि थोड़ी सी उसके बाद व्यवस्था बहुत बदलेगी। तो दोस्तों ये रहा 1853 का चार्टर एक्ट आपका ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक काम जरूर से करिएगा, भागिए मत, अभी और कुछ बताना आपको। दोस्तों कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आता है ना तो आप उसको स्किप
मत किया करिए, बहुत विनम्र निवेदन है, स्किप मत किया करिए, बाकी जो मन में आया सब किया करिए। सब कुछ आपको पढ़ाने के लिए राजी हूँ, बस आप मेरा छोटा सा काम करिए कि अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ स्किप मत करना। अच्छा, कमेंट करके बता देना अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं तो एडजस्ट कर लीजिए ना, अभी मजबूरी है, कुछ कर भी नहीं सकते ना, लेकिन आप कुछ कहोगे तो मैं कुछ बदलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। खासकर पीछे का जो बोर्ड है ये आपको साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, ये दो चीज़ मायने रखता है, बाकी कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।